नौकर अपनी मालकिन के साथ दिल लगा बैठा और बनाने लगा नाजायज रिश्ते। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि चोर कितने दिनों तक चोरी करेगा, एक न एक दिन उसकी चोरी पकड़ी ही जाएगी। कुछ ऐसा ही हुआ इस नौकर के साथ। जब एक दिन वो अपने मालकिन के साथ बंद कमरे में बैठकर बातचीत कर रहा था, तभी अचानक उसका मालिक पहुंच गया। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आप खुद देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ASN क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों आज जिस घटना के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना बेहद ही चौंका देने वाली घटना है, जहाँ पर एक मालकिन को अपने नौकर के साथ अवैध संबंध बनाना भारी पड़ गया। दोस्तों मालकिन और नौकर मालिक की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर एक दूसरे के साथ नाजायज रिश्ते बनाते थे। लेकिन एक दिन मालकिन ने नौकर को मालिक के साथ रूम में एक साथ बैठा देख लिया। दोस्तों मालिक को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और तुरंत उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकालने के बाद नौकर मालकिन पर प्रेम संबंध जारी रखने को लगातार फोर्स कर रहा था और संबंध न रखने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। लेकिन दोस्तों अब मालकिन उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती थी। आइए दोस्तों घटना की पूरी जानकारी आप लोगों को बताते हैं, बस आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों ये घटना नागपुर जिले की है, जहां पर गौरव नाम का शख्स कई सालों से आलू प्याज व्यापारी के यहां नौकरी कर रहा था। वो अभी अविवाहित था दोस्तों, मालिक की कार चलाता था और मालिक की 38 साल की पत्नी को भी मायके और रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ने और लेने भी जाया करता था। दोस्तों इसी बीच नौकर की मालकिन से अच्छी जान पहचान हो गई। मालिक जब किसी काम के सिलसिले से बाहर जाता था तो गौरव कामकाज के बहाने घर पर ही रुक जाता था। धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्रेम प्रसंग में बदल गई। मालकिन अपने जवान नौकर पर दिल हार गई और नौकर के प्यार में पूरी तरह डूब गई। अब मालकिन और नौकर ने मालिक की गैर मौजूदगी में नाजायज रिश्ते भी बनाना शुरू कर दिया। इस दौरान नौकर ने मालकिन के साथ अवैध संबंध बनाते हुए कुछ फोटो और वीडियो भी शूट कर लिए। मालकिन अपने पति को धोखा देकर नौकर के साथ संबंध बनाने में लगी थी, लेकिन मालकिन भूल चुकी थी कि सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। दोस्तों एक दिन मालकिन और नौकर कमरे में बैठकर एक साथ बातें कर रहे थे, तभी वहां पर मालिक आ गया। और जब मालिक ने पत्नी को नौकर के साथ कमरे में देखा तो यह उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने नौकर को फटकार लगाकर उसे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन मालिक को क्या पता था कि उसकी पीठ पीछे घर में क्या हो रहा था। नौकरी से निकलने के बाद नौकर की मालकिन के लिए इच्छाएं अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वो कॉल करके मालकिन को फोर्स करने लगा और मालकिन को धमकी देने लगा कि अगर वो प्रेम संबंध जारी नहीं रखेगी तो मेरे पास जो तुम्हारी वीडियो है मैं उन्हें वायरल कर दूंगा। और वो यही सब कहकर मालकिन को ब्लैकमेल करने लगा। लेकिन मालकिन संबंध रखने से इनकार कर रही थी। वो रोज अब मालकिन को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था। दोस्तों एक दिन मालकिन ने नौकर की बातों से तंग आकर ब्लैकमेल करने की बात मालकिन ने अपने पति को बता दिया, जिसके बाद वो पति के साथ थाने गई और नौकर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद महिला की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए नौकर को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया। तो दोस्तों आप लोग भी ऐसी आपराधिक मानसिकता रखने से दूरी बनाए रखें, ऐसे लोगों को समझें, उनसे सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने यार दोस्तों को सतर्क रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और लगातार ऐसी घटनाओं के बारे में जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमेशा देखते रहें ASN क्राइम अफेयर।